हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द माइंड मेकर यूट्यूब चैनल। आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात करी थी नाउन और उसके टाइप्स के बारे में, और नाउन के यूजेस के बारे में, नाउन के आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नाउन और उसके नंबर के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यदि आपको नाउन और उसके नंबर्स का आइडिया होगा, आप नंबर को चेंज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं नाउन के नंबर को, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आसानी होगा नाउन के नंबर को पहचानने के बारे में। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नाउन और उसके नंबर को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन और उसके नंबर से। तो चूंकि हमारा टॉपिक है नाउन और उसका नंबर, नाउन में हम लोगों ने पहले बात किया था कि नाउन क्या होते हैं और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं और उनके 5 टाइप्स होते हैं, जो प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव नाउन। आज हम नाउन के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी नाउन होते हैं उन नाउन का कैसे हम फॉर्म बदलते हैं। इसका मतलब हम एक नाउन को डिनोट करने के लिए कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं और उसी नाउन को डिनोट करने के लिए, मेनी थिंग्स के लिए, कौन सा नाउन, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास वर्ड का पेयर है ट्री, ट्रीज, बॉक्स, बॉक्सेस। आप इच पेयर को ध्यान में रखते हुए देखिए और क्या डिफरेंसेस है आप लोग फाइंड आउट कीजिए कि फर्स्ट वर्ड का जो पेयर है, पहला जो वर्ड है ट्री है और उसके ठीक नीचे ट्रीज लिखा गया है, बॉक्स, बॉक्सेस, ऑक्स, ऑक्सिन, मैन और मेन। आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ट्री से ट्रीज बना है, एस ऐड हुआ है, बॉक्स से बॉक्सेस बने हैं, ईएस ऐड हुआ है, ऑक्स से ऑक्सिन बना है, एन ऐड हुआ है और मैन से मेन बना है, ई ऐड हुआ है, ए को ई के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। क्या चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग। जो पहला वर्ड है वो वन थिंग को डिनोट कर रहा है, ट्री कहने का मतलब एक ट्री, बॉक्स कहने का मतलब एक बॉक्स, ऑक्स कहने का मतलब एक ऑक्स और मैन कहने का मतलब वन मैन। बट जो दूसरा पेयर है, जो दूसरा वर्ड है, वो एक से ज़्यादा ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्री से ट्रीज, बॉक्स से बॉक्सेस, ऑक्स से ऑक्सेस और मैन से मैन। तो जो पेयर एक से ज़्यादा डिनोट करता है, जो वर्ड एक से ज़्यादा डिनोट करता है, उसे हम जनरली प्लूरल कहते हैं, और जो एक को डिनोट करता है, वन थिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। तो नंबर के 2 टाइप्स हो जाते हैं, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। क्या डेफिनेशन होते हैं सिंगुलर और प्लूरल का, आइए हम देखते हैं। क्या है अ नाउन दैट डिनोट्स, फर्स्ट जो है अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, नाउन जो वन पर्सन को डिनोट करता है, वन पर्सन को डिनोट करता है और वन थिंग को डिनोट करता है, कहा जाता है सिंगुलर नंबर। वैसे नाउन जो वन पर्सन और वन नंबर को डिनोट करते हैं, उन्हें सिंगुलर नाउन कहते हैं या सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय कहने का मतलब एक बॉय हो गया, गर्ल, वन गर्ल, काउ, वन काउ, बर्ड, वन बर्ड और ट्री, बुक,
पेन, ठीक है। लेकिन वह नाउन जो मोर देन वन थिंग को डिनोट करता है, वह नाउन जो मोर देन वन थिंग को डिनोट करता है, मोर देन वन थिंग को डिनोट करता है, उस नाउन को हम प्लूरल नंबर कहते हैं। एक से अधिक नंबर को डिनोट करने वाले नाउन को हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे बॉयज बहुत सारे लड़के, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां, काउस बहुत सारे गायें, बर्ड्स बहुत सारी पक्षियां, ट्रीज बहुत सारे पेड़ और बुक्स बहुत सारी किताबें। दस देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो दो नंबर हो जाते हैं इंग्लिश में, एक को सिंगुलर कहते हैं, दूसरे को हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल नंबर। आइए अब हम कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, काउ का काउस, ये कैसे हो रहा है। आपके मन में भी उत्सुकता होगी कि हम कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे, या क्या कुछ सर्टेन रूल्स है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ज किया जा सकता है। तो हाँ, इंग्लिश ग्रामर में कुछ सर्टेन रूल्स है जो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम लोग कुछ सर्टेन रूल्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, है ना, मतलब कैसे प्लूरल नाउन्स बनाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज, पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज बहुत बेसिक है ना, कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं उसका फर्स्ट रूल ये कहता है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन कहने का मतलब वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बना सकते हैं। तो कोई भी सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल है उसको हम प्लूरल बनाते हैं क्या लगा करके, एस, है ना, एस लगा करके, उस वर्ड के एंड में एस लगा करके उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे बॉय से बॉयज, एस ऐड किया गया है, गर्ल से गर्ल्स, एस ऐड किया गया है, बुक बुक्स, एस ऐड किया गया है, और उसी तरह पेन से पेन्स, डेस्क से डेस्क, और काउ से काउ, एस लगा करके हमने सिंगुलर में सिंगुलर से प्लूरल बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो रूल है, रूल नंबर टू क्या कहता है कि बट नाउन्स एंडिंग इन एस, वैसे नाउन, अब रूल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़े से चेंजेस, वर्ड में चेंजेस के अकॉर्डिंग हम रूल्स को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, ताकि क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो उन वर्ड्स, सभी वर्ड्स को एक तरीके से एस लगा करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कुछ सर्टेन रूल्स हैं किस वर्ड को कैसे हम चेंज करें और कैसे प्लूरल बनाएं, उनके लिए कुछ सर्टेन है। जैसे कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, और एक्स हो, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में एस, एस एच, सी एच और एक्स हो, तब उनका प्लूरल बनाते समय ध्यान दें क्या ऐड करना है, हमें ई एस ऐड करना है, तब उनका प्लूरल बनाते समय हमें ई एस ऐड करना है। जैसे क्लास के एंड में डबल एस एस है, तो हम क्लास को क्लासेस बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल, किस में डबल एस है तो प्लूरल बनाते समय हम एस लगाएंगे, डिश में एस एच है तो हम डिशेज लिखेंगे, एस लगाएंगे, उसी तरह से ब्रांच में सी एच है तो ई एस ऐड करेंगे जब हम प्लूरल बनाएंगे, और बॉक्स में एक्स है तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे
कि ऑक्स में भी एक्स है, लेकिन ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिस नहीं होता है, ऑक्सिस गलत हो जाता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिन हो जाता है। इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 है ये। आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 में। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ, जो नाउन्स ओ से एंड करते हैं, ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल, वो भी प्लूरल फॉर्म करते हैं एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। जैसे ओ से एंड किया है बुफैलो, है ना, तो जब हम बुफैलो को प्लूरल बनाएंगे तो ई एस ऐड करेंगे, मैंगो से मैंगोज ई एस ऐड करेंगे, हीरो टू हीरोज ई एस ऐड करेंगे, उसी तरह से कार्गो कार्गोस ई एस ऐड करेंगे, और वोल्कानो वोल्कानोज। यानी वैसे नाउन जो ओ से एंडिंग करते हैं, वैसे वर्ड जो ओ से एंड करते हैं, उसमें भी ईस लगा करके प्लूरल फॉर्म बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ और रूल्स। रूल नंबर 4 है हमारा, अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ। अब देखिए रूल नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा, रूल नंबर 3 में हम लोगों ने देखा कि जो नाउन्स ओ से एंड करते हैं उनमें ई एस लगाया जाता है। बट रूल नंबर 4 क्या कहता है कि ऐसे और बहुत सारे नाउन हैं जो ओ से एंड करते हैं बट मेयरली एड एस और ई एस, बट मोस्ट ऑफ नाउन में एस लगा करके ही प्लूरल बना दिए जाते हैं, ई एस जो है नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे डायनेमो, तो केवल हम लोगों ने डायनेमो को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया है, सोलोज सोलो को प्लूरल एस लगा करके बनाया है, रेशियो को एस लगाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि ओ से एंड करने वाला हर एक वर्ड ई एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाए जा सकते हैं, एस लगा करके भी प्लूरल बनाए जाते हैं, और वो इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे पियानो पियानोस, फोटो फोटोज, मोस्ट कॉमन है फोटोज, बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि ई एस लगा देते हैं, जबकि फोटो का प्लूरल फोटोज होगा तो केवल एस लगा करके प्लूरल बनाया जाएगा। कमांडो कमांडो कमांडोज, ठीक है, एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है, नाउन्स एंडिंग इन वाई, वैसे नाउन जो वाई से एंड करते हैं, यानी वैसे नाउन जिनके लास्ट में या जिनके एंड में वाई लेटर ऐड होता है, प्रोसीडेड बाय अ कांस्टेंट फॉर्म दियर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस। कन्फ्यूजन नहीं है, जब भी कोई नाउन Y से एंड करता है तो Y को रिप्लेस करके आई ई एस लगा दिया जाता है। आइए देखते हैं, जैसे बेबी, बेबी एंड कर रहा है Y से, तो जैसे ही इसको प्लूरल बनाना होगा, बेबी को प्लूरल बनाना होगा, तो Y को हटा करके उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, I लिख देंगे, और उसके ठीक बाद ES लगा देंगे, तो बेबी का प्लूरल बेबीज, लेडी का प्लूरल लेडीज, सिटी का प्लूरल सिटीज IES। ठीक है, आर्मी का प्लूरल आर्मीज, स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज, और पौनी का प्लूरल्स पौनीज। पौनी स्मॉल हेयर को कहते हैं, स्मॉल स्मॉल हॉर्स को कहते हैं, पौनीज किसे कहते हैं, स्मॉल हॉर्स को कहते हैं। ठीक है, बट इस रूल में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात की गई है, यानी ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट वर्ड हो, कॉन्सोनेंट है कि नहीं, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आपको पता होगा कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी जो होते हैं
कॉन्सोनेंट होते हैं जेड तक 21। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने चाहिए, ध्यान देने योग्य बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6 क्या कहता है, द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ, वह नाउन जो एफ और एफ ई से एंड होता है, नाउन जो एफ या एफ ई से एंड होता है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई, एफ और एफ ई को बदल कर क्या ऐड करना है उसमें, वी और ईएस, यानी टोटली हम कह सकते हैं कि प्लस आप ऐड कर दीजिए उसमें वीएस। क्लियर है, आइए एग्जांपल देखते हैं इस रूल्स का। जैसे थीफ, चोर, आप एफ को रिप्लेस कर दीजिए किससे, वीएस से। थीफ प्लूरल है, थीफ्स हमारा, सॉरी थीफ सिंगुलर है, थीफ्स हमारा प्लूरल हो गया। वाइफ सिंगुलर है, वाइफ्स प्लूरल। वॉल्फ सिंगुलर है और वॉल्फ्स प्लूरल। उसी तरह से काफ सिंगुलर, काफ्स प्लूरल। नाइफ चाकू सिंगुलर है और नाइफ्स प्लूरल। सीफ, एस एच ई ए एफ, सीफ प्लूरल है, सीप्स। सीफ सिंगुलर है, सीप्स प्लूरल। और सेल्फ, सेल्फ सिंगुलर है और सेल्फ प्लूरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा रूल नंबर 6। आते हैं रूल नंबर 7 पर, द नाउन्स ड्वार्फ, होप, स्कार्फ, वार्फ टेक ईदर एस और वी ई एस इन द प्लूरल फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बात की गई कि यदि कोई नाउन है एफ और एफ ई से एंड होता है तो एफ और एफ ई को हटा करके रिप्लेस करके वी ई एस ऐड कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, ऐसे भी नाउन हैं जिनका एंडिंग एफ और एफ ई से होता है लेकिन उनमें एस लगा करके ही प्लूरल बनाए जाते हैं, वो कौन से नाउन हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ड्वार्फ, जैसे क्या है ड्वार्फ, आप एस लगा करके भी प्लूरल बना सकते हैं और वी ई एस लगा करके भी प्लूरल बना सकते हैं। हुफ, आप एस लगा करके भी प्लूरल बना सकते हैं और वी ई एस लगा करके भी प्लूरल बना सकते हैं। ये जो रूल्स है, ये जो रूल्स हैं इन्हीं वर्ड पर एप्लीकेबल है, सभी वर्ड पर ए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप वाइफ को कहें कि हाँ वाइफ को जो है वाइफ लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए ये केवल सर्टेन रूल्स पर ही एप्लीकेबल है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वाइफ्स ही सही होगा, वाइफ्स ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जैसे स्कार्फ, एस से भी प्लूरल बनाए जा सकते हैं और वी एस से भी। व्हाट्स, एस से भी प्लूरल बनाए जा सकते हैं और वी ई एस से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अदर वर्ड्स एंडिंग इन फॉर एफ और एफ ई एस, जैसे चीफ का सी एच ई ए सी एच आई ई एफ एस, चीफ का चिप्स, बस एस लगाइए और सिंगुलर का वो प्लूरल बन गया। हैंडकरचीफ, हैंकी जो हम लोग रुमाल यूज़ करते हैं, उसके ठीक बाद एस लगा दीजिए, एफ के ठीक बाद एस लगा दीजिए, ये प्लूरल बन जाएगा। क्विट, ठीक बाद एस लगा दीजिए, प्लूरल बन जाएगा। ये इन चीज़ों को ध्यान से और सही तरीके से कीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें जो हैं क्या हैं, इम्पॉर्टेंट, बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट हैं ये चीज़ें जो हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं से कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए कि प्रूफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, और बहुत सारे बच्चे प्रूफ्स लिख करके आ जाते हैं या प्रूफ टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्या हो जाएगा सही उत्तर, एस लगा करके ही प्लूरल बना देंगे, प्रूफ्स। बस आगे बढ़ते हैं,
रूल नंबर 9, अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर। जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो केवल और केवल उनके मीड में चेंज करने से, वर्ड के बीच में कुछ बदलाव करने से, उनके वॉवेल को बदल देने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। जैसे तुत का तित, डबल ओ को हमने डबल ई में कन्वर्ट कर दिया। मैन का मिन, ए को ई में कन्वर्ट कर दिया। गूस का गीज, गूस का गीज, है ना, जी ई ई एस ई, गीज, गूस का गीज में कन्वर्जन कर दिया। वुमन का विमेन, ई में कन्वर्जन। माउस का माइस और फुट का फीट में कन्वर्जन कर दिया। तो केवल सर्टेन वॉवेल को चेंज करने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। लाउस का लाइस में कन्वर्जन कर दिया। और ये जो हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इन्हीं का सिंगुलर प्लूरल पूछा जाता है। यदि आपको आता है, यदि आप इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आप सिंगुलर और प्लूरल को आइडेंटिफाई करने में कभी डिफ़िकल्टी महसूस नहीं करेंगे। तो ये सारे वर्ड्स हैं, फुट का फिट, तुट का तित, मैन का मिन, गूस का गीज और लाउस का लाइस और माउस का माइस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और सर्टेन रूल्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रूल नंबर 10 को देखेंगे। देयर आर अ फ्यू नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन। जैसे ऑक्स में ई एन लगाने से ऑक्सिन नाउन प्लूरल बनता है। जैसे ऑक्स में ऑक्सिन, चाइल्ड से चिल्ड्रेन, है ना। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए। ये कुछ स्पेशल केसेस के वर्ड हैं जिनमें ईएन ऐड करने से, क्या ऐड करने से, ईएन ऐड करने से उनका सिंगुलर से प्लूरल बनता है। ठीक है, आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सी चीज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत है सिंगुलर प्लूरल में। द प्लूरल ऑफ फिश, फिश का जो प्लूरल होता है, या तो फिश भी आप कह सकते हैं या फिशेस भी आप कह सकते हैं। इन करेंट इंग्लिश, अभी जो हाल फिलहाल जो अंग्रेजी हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें फिश इज द यूजुअल प्लूरल फिशेस, फिश का प्लूरल फिशेस दिया हुआ होता है। बट फिश का प्लूरल भी फिश और सिंगुलर भी फिश यूज कर सकते हैं। समटाइम्स यूज टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, यानी फिशेज हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम कभी कभी डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स के फिशेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिश का सिंगुलर फिश और फिश का प्लूरल फिश और फिशेज दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 11 पर बात करेंगे। क्या है रूल नंबर 11? सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक, है ना। कुछ नाउन्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं, जिनको सिंगुलर में भी आप वही स्पेलिंग देखेंगे वर्ड का और प्लूरल में भी वही स्पेलिंग देखेंगे वर्ड का। इन वर्ड्स को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे स्वाइन, शिप, डियर, कोट, ट्राउट, सालमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पाइसेस, ये आपको सिंगुलर में भी वही फॉर्म में मिलेंगे और प्लूरल में भी वही फॉर्म में मिलेंगे। इसमें ना एस, ना ई एस, ना वी एस, ना आई एस कुछ ऐड करके बदलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो गलती हो सकती है। जैसे आई बाउट 3 dozen oranges, dozen प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर में भी यूज कर सकते। सम पीपल रिच द एज ऑफ 3 score, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी दोनों में यूज कर सकते हैं स्कोर को। एंड द सारी कॉस्ट मी 5000, थाउजेंड को सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, आप भी ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर।
आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 12. सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल फॉर्म. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका केवल और केवल प्लूरल में ही यूज होता है, सिंगुलर में यूज नहीं होता है. तो वो कौन से नाउन हैं जो केवल और केवल प्लूरल में ही यूज होता है, उसको देखिए. द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम. विच हैव टू पार्ट्स, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल, चश्मा. चश्मा का दो पार्ट होता है, एक आंख वाला तो चश्मा अभी तक बना नहीं है, ठीक है. तो दो पार्ट, जैसे स्पेक्टिकल्स. टोंग्स, चिमटा जिससे हम लोग आग निकालते हैं. और सीजर्स, है ना, कैंची जिससे हम किसी चीज़ को काटते हैं. और ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ऑलवेज आर इन द प्लूरल फॉर्म, ठीक है. जैसे आगे देखते हैं नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स, कुछ चीज़ों के नाम जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, है ना. ट्राउजर्स दोनों पैरों में पहनी जाती है, ठीक है. और ड्रावर्स, दो दरवाजे होते हैं, ओके. जीन्स दोनों पैरों में पहनी जाती है. टाइट्स, है ना, शॉर्ट्स और पायजामा. तो वैसे कुछ चीज़ें, है ना, वैसे आर्टिकल्स जिनके दो पार्ट्स होते हैं, वो ऑलवेज उनको प्लूरल में ही ट्रीट करेंगे, प्लूरल में ही यूज़ करेंगे. ये सारे वर्ड्स हैं जो प्लूरल के ही एग्जांपल हैं. आगे है सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ और नाउन्स हैं, जैसे एनल्स, ऑलवेज प्लूरल. जैसे थैंक्स, किसी को आप थैंक्स बोलते हैं तो केवल थैंक नहीं बोलते हैं, या तो आप थैंक्स बोलिए और नहीं तो थैंक यू बोलिए, दोनों में से कोई यूज कीजिए. केवल थैंक बोलेंगे वो क्या हो जाता है, गलत, ठीक है. जैसे एसेट्स, कोई सामान, है ना. तो ये सारे के सारे जो नाउन्स हैं, इनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल में होता है, सिंगुलर में इनका इस्तेमाल नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं और कुछ रूल्स को हम लोग देखते हैं. रूल नंबर 13 क्या कहता है. सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर, कुछ नाउन्स जो ओरिजिनली सिंगुलर होते हैं, आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल. होते तो सिंगुलर हैं बट इनका इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है और प्लूरल में ही यूज किया जाता है. जैसे आल्म्स, भिक्षा, और रिचेस और ईव्स. ये होते तो सिंगुलर हैं लेकिन इनका इस्तेमाल प्लूरल में किया जाता है, है ना. जैसे दी फर्स्ट सेंटेंस है आपका, रिचेस डू मेनी थिंग्स. जो अमीर व्यक्ति होते हैं, अमीर आदमी होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं. दी सेकंड हम कह सकते हैं कि दी मैन गेव मी आर्म. दी मैन गेव मी आर्म्स, है ना, व्यक्ति ने मुझे भीख दिया, भिक्षा दिया, ठीक है. तो ये कुछ वर्ड हैं जिनका यूज होते सिंगुलर हैं बट यूज जो होते हैं प्लूरल फॉर्म में ही किए जाते हैं, प्लूरल समझ करके, प्लूरल मान करके ही यूज किए जाते हैं. आगे देखते हैं हम लोग रूल नंबर 14 क्या कहता है. द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल, कुछ नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं बट आर इनफैक्ट सिंगुलर, बट जनरली वो सिंगुलर होता है, है ना. जैसे आप मैथमेटिक्स में एस को देख करके आप कहें कि मैथमेटिक्स जो है प्लूरल नाउन है बट वो सिंगुलर नाउन है. फिजिक्स में एस देख करके एंड में आप कहेंगे कि फिजिक्स प्लूरल नाउन है तो ये गलत है, वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है. तो वैसे कुछ वर्ड्स को देखते हैं, जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, आप सब्जेक्ट देख रहे हैं जिसके एंड में एस लगा है, तो होते सिंगुलर हैं, दिखते प्लूरल हैं और होते सिंगुलर हैं, ठीक है. तो फिजिक्स सिंगुलर है, इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगुलर है, ये सारे के सारे
सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के रूप में यूज़ किए जाते हैं, प्लूरल के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। द वर्ड न्यूज़, न्यूज़ जो वर्ड है वो दिखता प्लूरल है बट यूज होता है सिंगुलर में, जैसे नो न्यूज़, नो न्यूज़ इज गुड, है ना, न्यूज़ एज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। जैसे नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, कुछ कॉमन डिजीजेस के नेम जो होते हैं दिखते प्लूरल हैं बट उनका यूज हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे, जैसे मीजल्स, मम्स और रिकेट्स। बच्चे अक्सर एस देख करके, वर्ड के एंड में एस देख करके उसे प्लूरल टिक कर देते हैं, जबकि ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती है कि एस लगा हुआ हरेक वर्ड प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, मैथमेटिक्स एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी और सब्जेक्ट, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ओके। इंडिया ओन बाय एन इनिंग्स एंड थ्री रन्स, ठीक है। मीजल्स इज इन्फेक्शियस, मीजल्स जो है एक तरह का डिजीज है और वो इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शंस के कारण फैलता है, ठीक है। बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, जो बिलियर्ड्स है एक तरह का गेम है, बिलियर्ड्स एक तरह का गेम है और बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, दिखाई दे रहा है, ये लग रहा है कि प्लूरल है, एस लगा हुआ है बट ये है सिंगुलर। कैसे पहचानना है सिंगुलर है, क्योंकि इज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। मीन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली बात है, मीन्स इज क्या लिखा हुआ है, मीन्स इज यूज्ड इधर एज सिंगुलर, मीन्स जो वर्ड है उसका इस्तेमाल या तो सिंगुलर या तो प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, बट व्हेन इट हैज़ द मीनिंग ऑफ वेल्थ, जब मीन्स का मीनिंग वेल्थ होता है, धन होता है, धन दौलत होता है, इट इज़ ऑलवेज प्लूरल, तो हम समझेंगे कि मीन्स प्लूरल यूज किया गया है। ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स और बाय दीज मीन्स, है ना, वो वेल्थ से सक्सीड करता है, जो ग्रोथ होता है उसका वो वेल्थ से होता है। इन पासिंग द एग्जामिनेशन हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इनकर्ड नो डेट, उसके पास बहुत कम धन है, उसके पास बहुत कम धन है लेकिन उसने अभी तक कोई कह सकते हैं कि कर्ज नहीं लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये मीन्स जो है वर्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ किए जाते हैं, बट यदि प्लूरल यूज़ किए जाते हैं तो उसका मतलब होता है वेल्थ, धन या दौलत। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 क्या कहता है कि सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स, वैसे नाउन्स जो कलेक्शंस और ग्रुप को शो करते हैं वैसे नाउन को कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, तो वैसे कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म होते, सिंगुलर हैं फॉर्म्स में, आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, लेकिन उनका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल में किया जाता है, जैसे पोल्ट्री, जैसे कैटल, पोल्ट्री जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं, कैटल जहाँ बहुत सारे पशुओं को रखा जाता है, वर्मीन और पीपल जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, पीपल मतलब पर्सन्स, पीपल मतलब पर्सन, पर्सन्स बहुत सारे लोगों को डिनोट करता है। दीज पोल्ट्री आर माइन, ये जो है हमारा क्या है, प्लूरल है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये जो है हमारा प्लूरल है, ठीक है। हुज आर दीज कैटल, कैटल हमारा क्या है यहाँ, प्लूरल है। एंड वर्मीन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी, वर्मीन एक तरह का इंसेक्ट्स होता है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स वर्मीन होता है। डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज,
प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है और डिजीज को कैरी करता है। दी जैपनीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल, जैपनीज जो होते हैं हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं पीपल। नेक्स्ट है देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, यूरोप में बहुत सारे पीपल्स रहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है PEOPLE, ये पीपल का मतलब है पर्सन्स, बहुत सारे पर्सन्स। पीपल्स का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स, और यहाँ पर PEOPLES जब लग जाता है तो इस पीपल्स का मतलब है सिटीजन्स, सिटीजन्स मतलब वहाँ पर रहने वाले लोग, है ना, नागरिक जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा पीपल और पीपल्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा रूल नंबर 16 है। क्या कहता है रूल नंबर 16? अ कंपाउंड नाउन, कौन से नाउन? कंपाउंड नाउन मतलब वैसे नाउन जो कम से कम दो वर्ड से मिलकर के बनता है, वैसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस, एस को लगा करके कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाया जाता है, टू द प्रिंसिपल वर्ड, जो मेन वर्ड होता है, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उस प्रिंसिपल वर्ड में एस लगा करके कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे सिंगुलर में आपका दिया हुआ है कमांडर इन चीफ, तो कमांडर हमारा कौन सा वर्ड हो गया? ये कमांडर हमारा हो गया, कमांडर हमारा हो गया कौन सा वर्ड हो गया? चीफ वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड। अब जब हमें इसको प्लूरल बनाना होगा तो केवल कमांडर में एस लगा देंगे, कमांडर में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे और ये बन जाएगा सिंगुलर से प्लूरल। हमें ना इन में एस लगाना है और ना ही चीफ में एस लगाना है। यदि ऐसा करते हैं, इन और चीफ में लगाते हैं, तो वो प्लूरल गलत हो सकता है और गलत हो जाता है। इसी वजह से केवल मेन वर्ड में, ये क्या है हमारा मेन वर्ड, जैसे डॉटर, तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड। तो इस बस प्रिंसिपल वर्ड में आपको क्या लगा देना है? एस लगा देना है, जैसे डॉटर्स में आपने, डॉटर में आपने एस लगा दिया है, और मैन से आपने क्या बना दिया है? मेन बना दिया है, तो मैन ऑफ वार यहाँ पर क्या हो गया है? मेन ऑफ वार। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया है केवल मेन वर्ड में चेंज करने से। मेनी नाउंस, रूल नंबर जो 17 है वो क्या कहता है? मेनी नाउंस टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस, कुछ ऐसे नाउंस हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं या किसी दूसरे भाषा से लिया गया है इंग्लिश में, ठीक है, तो उनके लिए क्या रूल्स है? कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म, तो वो अपने ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म को रखे रहते हैं। जैसे फॉर्मूला, जैसे क्या है? फॉर्मूला, है ना, तो आप फॉर्मूला को फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं और ए ई लगा करके भी या ई लगा करके प्लूरल बना सकते हैं। ये फॉर्मूला सिंगुलर हो गया और फॉर्मूले जो हो गया हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। इंडेक्स, इंडिसेस, और रेडियस, रेडियाई, यू एस को हटा करके आई लगा देना है। फेनोमेनन, फेनोमेना, ठीक है, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म्स में ही रहते हैं, ये चीज़ ध्यान देना है। क्रिटेरियन, क्रिटेरिया, एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म्स से नहीं डिफरेंशिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 18 क्या कहता है? सम नाउंस हैव टू फॉर्म्स, वैसे नाउंस जिनके दो फॉर्म्स होते हैं, फॉर द प्लूरल, प्लूरल के लिए दो फॉर्म होते हैं,
each with a somewhat different meaning, लेकिन उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं. जैसे आप इस वर्ड को फोकस कीजिए, कौन सा वर्ड है? ब्रदर. कौन सा वर्ड है? ब्रदर. ब्रदर वर्ड को आप फोकस कीजिए तो आप पाएंगे, ब्रदर वर्ड को जब आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रदर का दो प्लूरल फॉर्म, एक ब्रदर्स और दूसरा ब्रदरिन. एस लगा करके भी प्लूरल बना दिया गया है और ईएन लगा करके भी प्लूरल बना दिया गया है. लेकिन ब्रदर्स का मीनिंग अलग होगा और ब्रदरिन का मीनिंग अलग होगा. ब्रदर्स का क्या मीनिंग हो जाएगा? सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, जिसे हम भाई कहते हैं ना, मतलब एक ही माता पिता के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? भाई बहन कहते हैं, भाई कहते हैं, तो वो ब्रदर्स हो गया. लेकिन ब्रदरिन का क्या मतलब है? मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी, किसी सोसाइटी या कम्युनिटी के मेंबर को ब्रदरिन कहते हैं. तो अलग अलग मीनिंग में यूज़ किए जा सकते हैं ये वर्ड्स. जैसे क्लॉथ, क्लॉथ का प्लूरल क्लॉथ्स, एस लगा करके भी कर सकते हैं और ई एस लगा करके भी कर सकते हैं. दो इसका प्लूरल फॉर्म बना है, एक वन क्लॉथ और दूसरा क्लॉथ्स. बट क्लॉथ्स का मतलब है, पहले वाले का मीनिंग है काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा. ठीक है, पहले वाले का क्या मतलब है? कपड़े का टुकड़ा, काइंड्स एंड पीसेस ऑफ क्लॉथ्स. बट दूसरे वाले का मतलब है क्लॉथ्स गारमेंट्स, मतलब पूरा का पूरा कपड़ा जो हम लोग पोशाक पहनते हैं उनको क्लॉथ्स या गारमेंट्स कहते हैं. तो अलग अलग मीनिंग में यूज किए जाते हैं प्लूरल फॉर्म्स. आगे बढ़ते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म, ये हमारा रूल नंबर 18 जो है कंप्लीट होता है. और भी इक्के दुक्के रूल्स हैं जिनके बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे. बट यदि इन सब रूल्स पर 18, 20 या फिर और भी दो चार और रूल्स हैं उन पर यदि आप कमांड कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल का, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से सिंगुलर और प्लूरल में कोई प्रॉब्लम फेस करने को आएगा. तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और सिंगुलर और प्लूरल पर कमांड कीजिए. ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल. पहले भी बताया गया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूँकि अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसी वजह से उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, केवल और केवल काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल फॉर्म होता है. ये सिंपल सी बात है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्या कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल, दे आर अनकाउंटेबल्स. क्यों प्लूरल्स नहीं होता है? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. ठीक है, जैसे होप, चैरिटी, लव और काइंडनेस, प्रोवोकेशन है ना, इंस्टेंसेस और केस ऑफ प्रोवोकेशन, नो प्लूरल फॉर्म. काइंडनेसेस, एक्ट्स ऑफ काइंडनेसेस. ठीक है, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर आल्सो अनकाउंटेबल्स, बहुत सारे पदार्थ वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन दी प्लूरल फॉर्म. जैसे कॉपर का कॉपर्स नहीं यूज करेंगे जब आप मेटल के रूप में यूज करेंगे, आयरन का आयरन्स नहीं यूज करेंगे जब आप मेटल के रूप में यूज करेंगे, टीन का टीन नहीं यूज करेंगे और वुड का वुड्स नहीं यूज करेंगे. लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है वुड से वुड्स. तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि वुड से वुड्स में डिफरेंस हो जाता है. ये एग्जाम्पल आप देखिए, कॉपर्स, एस लगा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉपर का प्लूरल है. क्या है, यदि ऐसा दिखा कहीं मिलता है कॉपर, तो इसका मतलब है कॉपर क्वाइंस, यानी तांबे के बने हुए सिक्कों को हम कॉपर्स कहते हैं. आयरन्स है ना, फीटर्स, मतलब आयरन से बनी हुई चीज़ों को हम आयरन्स कहते हैं, फीटर्स कहते हैं. टीन्स है ना, कैंस मेड ऑफ टीन, यानी टीन की बनी हुई कैंस को जिसमें तेल और घी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको हम लोग टीन्स कहते हैं. और वुड्स,
और वुड्स का मतलब यहाँ पर लकड़ियाँ नहीं बल्कि फॉरेस्ट यानी जंगल होता है। ठीक है, इसी में एक और वर्ड आप जोड़ सकते हैं, वाटर। कौन सा वर्ड जोड़ सकते हैं? वाटर। वाटर्स आप कहीं देखे होंगे, वाटर से वाटर्स, तो वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, सी। ठीक है, तो ये चीज़ आप फोकस कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वाटर्स, वाटर का प्लूरल वाटर्स होता है? बिल्कुल नहीं, वाटर सिंगुलर ही होता है और इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन यदि वाटर में एस लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है सी यानी समुद्र। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बात है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। होप, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये नाउन और उसके नंबर का जो सेशन है ये आपको पसंद आया होगा। यदि इन सब रूल्स को, जितने भी हम लोगों ने 18th रूल का डिस्कशन किया, यदि ये रूल्स आपको याद हो जाते हैं तो आपको सिंगुलर और प्लूरल बनाने में या फिर सिंगुलर और प्लूरल नाउन को पहचानने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम होगा और आसानी से आप सही उत्तर का चुनाव कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड करते रहिए ताकि इस सेशन का फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू।